एंगल सबटेन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए बाई एन आर्क ऑफ लेंथ ए पाई बाई 4 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग देख लीजिए क्या कर रहा है। एक सर्कल है जिसका एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पे आर्क, वही हमें निकालना है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि इसका रेडियस है ए और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है यहाँ पर ए पाई बाई 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग एंगल सबटेंड जो हो रहा है वो थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे लेट द एंगल सबटेंड सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बी थीटा, ठीक है। अच्छा रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल आर का वैल्यू ए दिया हुआ है और लेंथ ऑफ आर्क भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है ए पाई बाई 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई में 180 डिग्री इंटू में पाई आर इक्वल टू में ए पाई बाई 4 सेंटीमीटर। थीटा हमें नहीं पता है, 180 डिग्री पाई को ऐसे रहने देते हैं और आर का वैल्यू ए है इक्वल ए सेंटीमीटर जो भी है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ए पाई बाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पर ए पाई बाई 4 इंटू में 180 डिग्री और बाई में यहाँ पे नीचे आ जाएगा ए पाई, सॉरी डिग्री में रहेगा जी। चलिए ये ए पाई से ए पाई कैंसिल, ये 4 से इसको काट देते हैं 45 टाइम्स में, यानी कि थीटा जो होगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर नीचे कि एंगल सबटेंड बाई आर्क एट द सेंटर बी 45 डिग्री हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6।